हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस सेशन इज ऑल अबाउट KVPY। तो इस साल बहुत सारे बच्चे KVPY का एग्जाम लिखेंगे जो कि 3 नवंबर को हो रहा है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो पहले इससे पहले कि मैं इसके बारे में बात करूं, लेट मी अनाउंस दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग अप अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर KVPY। और वो सरप्राइज क्या है वो आपको बड़ी जल्दी पता चलने वाला है, आज नहीं पर बड़ी जल्दी ही पता चलने वाला है। दैट वी हैव अ वेरी वेरी गुड सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू हु आर गोइंग टू राइट KVPY। सो प्लीज ट्यून इन टू दिस वीडियो। अब KVPY के बारे में अगर हम बात करें तो KVPY के पेपर के बारे में आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा। नहीं पता चला तो मैं बहुत जल्दी से बता देता हूं आपको। तो ऐसे जो 10th से 11th मूव करे या फिर जो 11th में बच्चे हैं उनको SA पेपर देना होता है, 12th वालों को SX, और जो फर्स्ट ईयर में है उन्हें SB पेपर देना होता है। ठीक है, ऐसे में प्रॉब्लम क्या आता है KVPY की मैं बात करूंगा। पैटर्न तो आपको पता ही है, पैटर्न क्या है कि आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। जो 11th में है उनके चारों सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, और पेपर जो 12th का होता है उसमें भी चारों सब्जेक्ट आते हैं पर आपको कोई से भी 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। लेट मी रेक्टिफाई, KVPY में 2 पार्ट्स में पेपर होता है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। तो जो 11th के बच्चे हैं उनके पास ऑप्शंस नहीं है, उनको तो जैसा जैसा पेपर आता है वैसा वैसा पेपर उन्हें देना पड़ता है वहां पर। ठीक है, सेक्शन 1 में रेटिंग अलग होती है, मतलब सेक्शन 2 के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी वेटेज ज्यादा होती है, उसी हिसाब से निगेटिव वेटेज भी ज्यादा होती है। वेटेज क्या है, 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है, +1 +2। ठीक है, सेक्शन 1 में 15 15 15 15 ईच इन ऑल दी 4 सब्जेक्ट्स। एंड सेकंड वाले में मैं ऐसे की बात कर रहा हूं, आपके 5 5 5 क्वेश्चन आएंगे विच कंप्राइज ऑफ 2 मार्क्स ईच विद अ नेगेटिव मार्क्स ऑफ 0.5। सिमिलरली फॉर एस, जो हम SX बात करते हैं क्लास 12th के लिए, पेपर में आपको चारों सब्जेक्ट्स आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, आपको पहले सेक्शन में जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें सिर्फ कोई से 3 अटेम्प्ट करने हैं। सो इफ यू आर अ PCB स्टूडेंट यू कैन गो फॉर PCB, इफ यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऑब्वियसली यू विल गो फॉर PCM। इन सेक्शन 2 अगेन यू आर गिवन द बेनिफिट, आपको फिर से चारों पेपर मिलेंगे पर अब आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। राइट, दैट इज अबाउट द पैटर्न। फॉर मोर डिटेल्स अबाउट व्हाट इज द पैटर्न, व्हाट टू बी डन, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट बुक्स, प्लीज रेफर टू द लिंक्स व्हिच आर हियर और इन द डिस्क्रिप्शन। MathOnGo हैज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ KVPY रन्स, ईच एंड एवरी डिटेल रिलेटेड टू KVPY, पास्ट ईयर क्या है, कहां मिलेंगे सर, सारे लिंक में जाओ, अवेलेबल है। स्टार्ट यूजिंग दैट लिंक्स फॉर KVPY प्रिपरेशन। बट माय टारगेट फॉर टुडेज टॉपिक इज अ बिट डिफरेंट। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ KVPY एग्जाम एंड नॉट रिगार्डिंग योर स्कॉलरशिप। हमें पता है KVPY इज इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग इनटू रिसर्च स्पेस। अगर आप साइंस एंड रिसर्च में घुसना चाहते हैं, आप IISc जैसे टॉप इंजीनियर तो नहीं बोलना चाहिए, टॉप रिसर्च कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, IISc में करना चाहते हैं, एंड इन द लॉन्ग रन मे बी यू वॉन्ट बिकम अ साइंटिस्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर यू बिकॉज यू विल गेट डायरेक्ट एंट्री इन टू दीज कॉलेजेस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट बिग थिंग कम्स इन दिस, हमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 5,000 रुपीज पर मंथ प्लस 20,000 रुपीज एनुअल कंटिजेंसी मिलती है हमें एक रिसर्च करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं इस विषय में बात करने वाला हूं कि KVPY में आप कितना टाइम स्पेंड करें, कितना इंपॉर्टेंस है, क्या उसका हमें डाइग्रेस करके पढ़ाई करनी है। क्योंकि अब हुआ क्या है कि मेरे को बहुत सारे बच्चों के ईमेल्स आए हैं कि सर आई एम वेरी मच कंफ्यूज अबाउट हाउ टू बैलेंस स्टडी। अभी तक सर हम लोग सिर्फ बोर्ड्स और IIT की पढ़ाई को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, अब तीसरा प्रेशर और क्रिएट हो रहा है KVPY। फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द क्लास 12 स्टूडेंट्स, क्लास 12 स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू क्रिएट अ वेरी बिग हाइप ऑफ KVPY एग्जाम फॉर देम। सो ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ KVPY एग्जाम, किस लेवल का पेपर बनता है। सो KVPY पेपर इज अबव JEE मेंस बट बिलो JEE एडवांस, सो बीच के लेवल का एक पेपर होता है। जो बच्चे क्लास 12th में हैं और 3rd नवंबर तक अगर हम बात करें तो 3rd नवंबर तक अब की साल फायदा क्या हुआ है बच्चों को कि सिंस JEE मेंस जनवरी में होता है तो एक इंटरनल टेंडेंसी है कि हमें अपना सिलेबस जल्दी खत्म करना है। उसकी वजह से आपका क्लास 12th कंप्लीट हो चुका होगा, नहीं हुआ होगा तो 80% कंप्लीट हो चुका होगा जब तक आप KVPY का एग्जाम लिखेंगे, विच इज गुड। राइट, क्योंकि जो SX का पेपर लिखेंगे उनका मेजोरिटी पेपर कंप्राइज ऑफ क्लास 12th सिलेबस। 11th के भी टॉपिक्स आएंगे, उनकी आप बेसिक रिविजन कर सकते हैं, बट डू नॉट गो हार्ड ऑन फॉर अ KVPY एग्जामिनेशन। इट्स अ नॉर्मल एग्जामिनेशन, ट्रीटेड लाइक अ नॉर्मल एग्जामिनेशन। अंडरस्टूड गाइज? एंड इफ यू आर वेरी नॉट वेरी श्योर ऑफ दैट यू वांट टू गेट इनटू रिसर्च, अगेन टेक इट लाइटली, डू नॉट ओवर बर्डन योरसेल्फ। मेरे को लग रहा था कि बच्चे बहुत ज्यादा ओवर बर्डन हो गए हैं, प्लीज डिविएट नहीं होना है फोकस से। आपका फोकस एक ही बार क्या होता है, डिविएट हो जाता है। सर मैं IIT पढ़ रहा था, सर बीच में मेरे को KVPY एग्जाम देना था तो मैंने अपनी सारी पढ़ाई रिविजन पे डाल दी, मेरा बैकलॉग्स बन गए, वो नहीं करना है। सिमिलरली फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स, there will be some topics which will be asked which you will have not covered by then, mostly in physics,
like topics like thermodynamics, which is a big topic, which generally do not get covered by October, right? So don't worry about all these things. So why I'm saying this, treat this exam like a competitive exam where you are trying to judge yourself, not in totality, but on what you have already learned, right? There will be some candidates, some students who would be ready for KVPY, but what I believe is 99% of the audience generally is not ready. In fact, वो confused हो जाते हैं और इतना confused हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता मैं क्या पढ़ रहा हूँ. वो state में मत जाओ. Simple रखो, जो आप पढ़ रहे हैं आप वो पढ़ते रहें. कुछ extra नहीं, extra करना है तो past year है. Past year का link मैंने already बोला है, description में लिखा हुआ है. Past years को देख के analyze करें. आप क्या अभी उस track पे हैं कि जिससे आपके KVPY के questions solve हो रहे हैं? हो रहे हैं तो प्रैक्टिस करें, नहीं भी हो रहे हैं तो पास ईयर क्वेश्चंस करें और उससे सीखने की कोशिश करें. दैट इज द बेस्ट दैट यू कैन डू फॉर अ केवीपीवाई एग्जाम. क्लियर गाइस? बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर बुक्स क्या हैं. बुक्स का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक लिंक है, पढ़ो उसको, बहुत अच्छी चीजें लिखी है उसमें. हमें बहुत ज्यादा स्पेशल किताब पढ़ने की केवीपीवाई की जरूरत नहीं है. द वे यू गाइस आर स्टडिंग फॉर जेई, कीप स्टिकिंग टू दैट, राइट? पीपल हु आर too much into KVPY, for them it's a different, altogether different case. They can go till, वो already obviously JEE advanced पढ़ रहे होंगे, वो थोड़ा बहुत हो सकता है JEE के साथ साथ Olympiad का भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए KVPY obviously आसान होगा. But जो लोग KVPY क्या अभी JEE mains पे ही struggle कर रहे हैं, please just stick to your JEE mains. That's a very very important and a very truthful advice from a teacher's perspective. ठीक है, हम सिर्फ exam गाते रहे उससे फायदा नहीं होगा. हमें ये भी देखना है क्या आप अभी उस level पे हैं. क्यों नहीं, बुरी लगेगी ये बात सुनने में कि सर आप क्या क्यों कह रहे हैं कि नहीं करें हमारा लेवल नहीं. मेरा टारगेट है कि जो आप कर रहे हैं, जो आपका गोल है, आप अगर उस पर डिबेट हो गए तो यार ये तो मिलना नहीं था, ये भी हाथ से चला जाएगा. एंड वी डोंट वांट आवरसेल्फ टू बी इन दैट सिचुएशन. व्हाट गाइस, प्रिपेयर व्हाट यू गाइस आर डूइंग, डू पास्ट इयर्स, स्टार्ट टेकिंग टेस्ट ऑन KVPY इफ पॉसिबल. अभी फिर भी टाइम है, बाद में भी दे सकते हैं, दें, बस इतना ही काफी है. डू नॉट ड्वेल टू मच ओवर दिस एग्जाम अनलेस अंटिल यू आर hardcore ready for KVPY. That's a very sincere request. It's a very very good exam. I'm not against you giving or taking any exam, but you have to be mature enough to decide how to prepare. That is what I wanted to teach you. ठीक है, तो आप पढ़ाई करते रहें, पैटर्न देखते रहें, अच्छे क्वेश्चन जरूर होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं कई बार KVPY के जिनसे हमें सीखने को मिलता है, तो आप लर्निंग के सोर्स के तरीके से भी उसको मान के सॉल्व कर सकते हैं. बट अपनी प्रिपरेशन को, जो प्रायोरिटी लिस्ट है, प्रायोरिटी लिस्ट में जो आप काम कर रहे हैं वही काम करते रहें. बुक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दें, KVPY की अलग बुक, उसकी अलग बुक, जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाट यू गाइस आर डूइंग. लेवल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिटवीन JEE मेंस एंड JEE एडवांस, सो स्टिक टू इट. गॉड ब्लेस यू ऑल, डोंट वरी टू मच, जस्ट स्टे फोकस ऑन व्हाट यू गाइस आर डूइंग, फोकस. ऑलराइट गाइस, एंड यस आई विल बी बैक विद अ बिग बिग सरप्राइज, डू नॉट वरी अबाउट दैट. सरप्राइज क्या है वो अभी बहुत जल्द आपको पता चलेगा. और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं जरूर एनी डाउट्स दैट यू हैव रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पेपर. KVPY के बारे में आपको कुछ भी अगर डाउट है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सी द लिंक्स व्हिच विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू. यू कैन सेव दोज लिंक्स एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट. गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय.